नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटरन्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्वाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली, रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, एक हिंदू दूसरा हिंदुत्ववादी में हिंदू है लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। उन्होंने कहा, हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच फर्क समझता हूं। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए, हिंदू सच को ढूंढता है, उसकी राह पूरी जिंदगी भर सच ढूंढने में निकल जाती है। उन्होंने कहा, हिंदुत्ववादी सत्य के लिए कुछ भी कर देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, उसका रास्ता सत्यग्रह नहीं सत्याग्रह है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है। राहुल गांधी ने कहा, डर से हिंदुत्ववादी के दिल में नफरत पैदा होती है। आंख सब हिंदू हो, आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। इन लोगों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इनको बाहर निकालकर हिंदू का राज जुलाना है। जो किसी से नहीं डरता है वो है हिंदू। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने कहा, बीजेपी सरकार उद्योगपति हितेशी सरकार है, केवल उद्योगपतियों का फायदा सोचती है। उन्होंने कहा कि भारत के 1% आबादी के हाथ में 33% धन, सबसे गरीब 50% के हाथ में देश का सिर्फ 6% धन, महंगाई, जीएसटी, 3 काले कानून से इतना फर्क, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी और किसान असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की रैली में शिरकत करेंगे। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर होने वाली रैली को लेकर हुड्डा ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महंगाई काम करने में केंद्र विफल है, लंबे संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 दिसंबर तक सभी किसान धरना स्थल छोड़ देंगे। वहीं एसकेएम की अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़ और अमृतसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं ताकि उन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समाप्त किया जा सके। दूसरे दिन भी लगातार किसान धरना स्थलों से वापस अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर में आंदोलन करने के बाद किसान के सामने अब अपने अपने सामान को भी घर ले जाने की चुनौती है। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की तल्खी बरकरार। दिल्ली से लौटते हुए चढ़ूनी ने कहा कि उन्होंने तानाशाह को झुका दिया और किसानों ने अपने अधिकार छीने हैं। गुरनाम सिंह ने कहा है कि विश्व में पूंजीवाद हावी हो रहा है लेकिन लोग समाजवाद चाहते हैं। सरकार के साथ हुए समझौते की संयुक्त मोर्चा निगरानी करेगा और इसके लिए हर महीने मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित क्या क्या है, यदि सरकार की तरफ से किसी भी बात को लेकर शक हुआ तो दोबारा आंदोलन शुरू हो जाए। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम मनोहर लाल से मिलकर विकास कार्य को सौगात दी। उन्होंने कहा, अब नरवाना में शिवरेज, बिजली व्यवस्था और पार्कों की व्यवस्था की कायाकल्प की जाएगी। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम से मुलाकात कर गांव में योगशाला की तर्ज पर शहर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 10 एकड़ में अटल पार्क बनाने की मांग की। यमुनानगर के गांव नवाजपुर के रहने वाला खिलाड़ी अनिल ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। खिलाड़ी अनिल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कन्वर पाल गुर्जर से मुलाकात की। मंत्री कन्वर पाल गुर्जर में अनिल को शुभकामनाएं थी। शिक्षा मंत्री के साथ साथ यमुना ऑटोमोबाइल खिलाड़ी अनिल को स्पॉन्सर कर रहा है। किसानों के घर वापसी करने के बाद स्थानीय दुकानदार लोगों ने ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने भी काफी राहत की सांस ली है। जहां सोनीपत इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई और जहां से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 25% फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है। वहीं उद्योगपतियों ने सरकार प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जीएसटी टैक्स और बैंक स्टेट किया जाए।
खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित साइक्लोथोन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से 14 दिसंबर तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गीता महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आगाज हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ होगा। गीता महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र। अम्बाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत सांसद रतनलाल कटारिया ने ज्योत प्रज्वलित कर गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की तरफ से अपनी स्टॉल लगाए गए। वहां पर गीता जयंती में आए लोग जानकारी लेते और खरीदारी करते नजर आए। हिसार में राजकीय महाविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ यज्ञ हवन के साथ क्या क्या। इसी मौके पर बीजेपी विधायक कमल गुप्ता मौजूद है। राजकीय महाविद्यालय हिसार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का अवलोकन करने पहुंचे हिसार नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने विभिन्न तरह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यमुनानगर में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का हुआ आगाज। ऊर्जा सेक्टर 17 के रेडक्रॉस ग्राउंड में गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। करनाल लोकसभा से 4 बार सांसद रहे पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने आदर्श नेता की श्रद्धा सुमन अर्पित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा आदर्शों और जन विकास की राजनीति की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के अनुभवों को भी साझा किया। यमुनानगर में खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बादी की खबर। किसानों का कहना है कि सुबह उठते ही अपना आधार कार्ड लेकर खाद की दुकानों पर पहुंच पाते हैं, लेकिन वहां पर वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि आज खाद की गाड़ी नहीं आई। विवाद में चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए नवनियुक्त थाना प्रभारी चंद्रभान। शहर का दौरा कर दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए। दूसरे दिन सड़क पर फिर निकले थाना प्रभारी ने दुकानदारों का सामान जब्त कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। बिना मास्क के घूम रहे 10 लोगों के चालान भी काटे गए। शाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी की। नंबरदार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। बैठक में सरकार की तरफ से जारी पत्र का विरोध किया गया। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जुले सिंह का कहना था कि सरकार ने भविष्य में नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। इस समय 50 परीक्षा केंद्रों पर महिला कांस्टेबल परीक्षा हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी संपन्न करवाने के लिए 23 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। परीक्षा दिलवाने पहुंचे अभिभावकों ने जिला स्तर पर परीक्षा करवाने की मांग की है। जींद और पलवल से पहुंचे परीक्षार्थियों ने कहा धूल की वजह से सफर करना मुश्किल। कुटला के गांव शाहूपुरा स्थित आश्रय ज्योति विद्यापीठ में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वर्गीय चौधरी टेकाराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
धरवाना में एक अनोखी शादी समारोह देखने को मिली है। अनोखी शादी किसी बड़े पैलेस में न होकर नरवाना के हिसार रोड पर राधे श्याम गौशाला में की गई। बिजनेसमैन कैलाश गोयल अपने बेटे अंशुल की शादी के फेरे और जयमाला भोज का कार्यक्रम गौशाला में रखा। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बसों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो फिर से रोड जाम करेंगे। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की हड़ताल 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि यह हड़ताल 4 दिन के लिए थी और इसे 8 दिन और बढ़ा दिया गया। वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने 2018 में उनसे वादा किया था कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्कर्स ने कहा है कि सरकार जब तक सभी हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती और वो पोषण ट्रैकर को बंद नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। फरीदाबाद के गेस्ट टीचर्स ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यक्रम पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 7 साल के बाद भी सरकार ने वादा नहीं निभाया, इसके बाद गेस्ट टीचरों ने सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ में 20 साल का युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। युवक 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था। युवक में 1 दिसंबर को कोरोना की पुष्टि की गई थी, तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटीन किया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 केस मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। जिम्बाब्वे से आया यात्री ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। मुंबई में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लगा दी। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया। आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंदवाड़ा में 1.5 साल की बच्ची ओमिक्रॉन से ठीक हो चुकी है। वहीं 3 साल का छोटा बच्चा एसिम्प्टोमेटिक पाया गया। ओमिक्रॉन के डर के बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुला में कोरोना बम फूटा। यहां के एक निजी स्कूल में 9 छात्रों समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके संपर्क में आए 190 लोगों की जांच की जा रही है। जिले के मेडिकल और हेल्थ ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें छात्र, टीचर्स और टीचर्स परिवार के 4 लोग हैं। दो बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियंट से पॉजिटिव पाई गई है। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से 1 हफ्ते पहले ही वापसी आई। इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखा जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के 7,774 नए मामले आए सामने। एक दिन में 306 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या के पार 92,200 के पार। केंद्र के चालू होने से अस्पताल की भाड़ से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। बुरहाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले के प्रमुख कोविड अस्पतालों में से एक है। नानौन से कर्मचारियों का जत्था हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत हिसार के लिए रवाना हुआ। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर हल्ला बोल प्रोग्राम किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार में हल्ला बोल प्रोग्राम किया गया और उसी के तहत नारनौत से विभिन्न महकमों के कर्मचारी हिसार के लिए रवाना हुए। भूपेंद्र सिहाग ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानती तो आगे से और भी कड़े फैसले लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे।
बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि शहरी क्षेत्र में छापेमारी चल रही है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हाना क्षेत्र के सभी पुराने बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि ट्रांसफार्मर की कमी को पूरा किया जाएगा, अगर कहीं ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि नई गांव में इसी माह होने जा रहे जलसा से पहले मदरसा के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। बिजली मंत्री बोले कि ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए जिन किसानों ने 2018 से पहले 30,000 रुपए जमा कर दिए गए थे उनके मई जून 2022 का कनेक्शन दे दिए जाएंगे। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के एरिया में एक युवक ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। घटना सूर्य विहार पार्ट 3 की बताई जा रही है। दोनों पति पत्नी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जहां दोनों अपने पिता के साथ यहां छुट्टी के लिए आए हैं। इस दौरान हजारों लोगों के साथ सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद वीरेंद्र को श्रद्धांजलि बांटते बताई। टिकरी बॉर्डर से आंदोलन समेटकर घर लौट रहे पंजाब के किसानों के साथ हिसार में हादसा हो गया। किसानों की ट्रॉली को गांव टिंडक के पास ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में पंजाब के मुक्तसर साहिब निवाली किसान सुखदेव की मौत हो गई, जबकि अन्य किसान घायल। घायल दूसरे किसान अजयप्रीत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में कुल 7 किसान घायल हुए। हरियाणा में स्कूटी और कार में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में है। दादरी के होटल में एक युवक ने पहले अपने साथ आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। जज्जर निवासी प्रवीण कुमार और करकी दादरी निवासी सोनिया कॉलेज रोड स्थित होटल ब्लू डायमंड में आए। जिला मॉडर्न जेल बांसी में बंद आरोपी ने की आत्महत्या। जेल की बोरिंग नंबर 4 के बाथरूम के रोशनदान से झूल कर मिला शव। मृतक आरोपी मेवात के गांव हिलालपुर का रहने वाला है। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई हाईवे पर इंजीनियर की हत्या के मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने 8 महीने पहले भेजा था भोंसी जेल। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भोंसी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। विवाद में 8 दिन पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई 3 वर्षीय बच्ची, पड़ोस में निर्माणाधीन मकान में दबा हुआ मिला शव। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी। बच्चे के शव की सूचना परिजनों को मिली तो पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेडिकल कॉलेज में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चला। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर से पुलिस ने रेड कर बड़ी मात्रा में गोमांस पकड़ा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 4 लोगों के विरुद्ध गौ मांस बेचने का मामला दर्ज किया। आरोप है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से गौ का मांस लाकर यहां बेचते थे। यमुनानगर के नार्कोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में क्या पेश। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम करता था। फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फतेहाबाद में 179 दर्ज किया गया इक्वाइट। अंबाला में भी आबोहवा में सुधार है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 दर्ज किया गया। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 दर्ज किया गया।
हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना से देश में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो खाद्यान्न दिया गया। भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा के राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पुरुषों की 67 किलो भार्गव के गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के ही अचिंता शेयुली ने भी 73 किलो भार्गव के चैंपियन बने और इसके साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन से मुलाकात की। उर्वशी ने बेंजामिन को हिंदुओं की पवित्र किताब भगवद गीता तोहफे में दी। एक्ट्रेस ने इस यादगार लम्हे को फैंस के साथ भी साझा किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। इलाके में और आतंकी छिपे होने की आशंका का चलते लगातार तलाशी अभियान चला रही है।